अस्सलाम वालेकुम फोर क्लास, यू नो इन योर प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टार्टेड यूनिट नंबर सिक्स आवर गवर्नमेंट एंड इन योर प्रीवियस लेक्चर आई हैव टोल्ड यू हाउ गवर्नमेंट इज़ फॉर्म, गवर्नमेंट बनती कैसे है. सो आई हैव टोल्ड यू अबाउट द पोलिटिकल पार्टीज एंड एंड द इलेक्शन अबाउट द इलेक्शन ऑफ पाकिस्तान. सो स्टूडेंट्स नाउ वी विल स्टार्ट पेज नंबर 51 एंड द क्वेश्चन इज हाउ इज़ आवर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज, हमारी जो गवर्नमेंट है वो ऑर्गेनाइज कैसे होती है, सो बनती कैसे है. आवर गवर्नमेंट हैज़ थ्री ब्रांचेज. हाउ मेनी ब्रांचेज? थ्री ब्रांचेज. सो ईच ब्रांच हैज़ इट्स ओन स्पेशल टास्क टू परफॉर्म. हर ब्रांच के स्पेशल टास्क होते हैं जो परफॉर्म करना होता है उन्होंने सेपरेटली. सो गवर्नमेंट, दिस इज़ द गवर्नमेंट एंड इट हैज़ थ्री ब्रांचेज, एग्जेक्टिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी. सो द वेरी फर्स्ट एग्जेक्टिव, एग्जेक्टिव में कौन से आ जाते हैं? सबसे पहले प्रेजिडेंट. यू नो प्रेजिडेंट, प्रेजिडेंट इज़ द हेड ऑफ द स्टेट. हमारा प्रेजिडेंट कौन है? डॉक्टर आरिफ अलवी. नाउ क्लियर? सो स्टूडेंट्स इट इज़ द ही इज़ द हेड ऑफ द स्टेट. एंड देन प्राइम मिनिस्टर यू नो इमरान खान इज़ आवर प्राइम मिनिस्टर नाउ अडेज. सो दैन कैबिनेट मिनिस्टर, देर आर मैनी कैबिनेट मिनिस्टर्स ऑफ इमरान प्राइम मिनिस्टर्स. यू नो वैन दे हेल्ड अ कमेटी, वैन दे हेल्ड अ मीटिंग, सो दे यू कैन सी इन टी वी एंड इन न्यूज़ दैट देर आर मैनी मिनिस्टर्स अराउंड इमरान खान. सो दीज ऑल मिनिस्टर्स आर कॉल्ड कैबिनेट मिनिस्टर्स. क्लियर? सो नेक्स्ट इज लेजिस्लेचर. यू नो लेजिस्लेचर ऐसी ये है कानून साज असम्बली, जहाँ पे कानून बनाते हैं उनके यहाँ बनाए जाते हैं, मनसूख की जाते हैं और उनको उनमें तरमीम की जाती है, यानी उनमें चेंजिंग की जाती है. ये वो कमेटी है. सो लेजिस्लेचर में पार्लियामेंट आ जाता है. यू नो इफ़ यू हैव सीन इन न्यूज़ दैट देर इज़ अ रियली बिग हॉल इन विच ऑल द मेम्बर्स ऑफ द असम्बली सिटिंग ओवर देयर एंड डिस्कस अबाउट द पार्टीज एंड डिस्कस अबाउट द rules, regulations and many about many problems they discuss. clear? so that is the parliament, जहाँ पे कानून बनता है, पास होता है, मनसूख होता है और उनमें तरामीम की जाती है, यानी कि चेंजिंग की जाती हैं. judiciary, this is the that is the main part of the our country. कानून बनाना, कानून नाफिज करने वाला जो हिस्सा है वो यहाँ पर जाता है. law courts, जिनमें law courts आती हैं, कानूनी अदालतें आ जाती हैं. इट डिपेंड्स ऑन लॉ एंड ऑर्डर. ये हमारे मुल्क में तहफ़ और लॉ एंड ऑर्डर नाफज करते हैं. क्लियर? सो इट इज़ अ फैक्ट द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वाज लियाकत अली खान. यू कैन सी द पिक्चर. ही इज़ द फर्स्ट वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, लियाकत अली खान. नाउ स्टूडेंट्स we will take very first part of the government, executive. We will discuss first. Firstly, we will discuss executive. Now we will read. The president is the head of the state. As I have told you, the prime minister is the head of the government. President जो होता है वो head of the state होता है, यानी कि जैसे पाकिस्तान एक स्टेट है, उसका जो हेड है वो प्रेसिडेंट है. इसी तरह जो गवर्नमेंट है, जो सारी ये तीनों जो डिपार्टमेंट्स हैं, ये तीनों जो ब्रांचेज हैं, ये किसके अंडर हैं? दैट इज़ द अंडर ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान. क्लियर? सो द प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट. पार्टी विद द मोस्ट वोट्स बिकम प्राइम मिनिस्टर. स्टूडेंट्स एज आई हैव टोल्ड यू दैट इफ दैट इज़ द पार्टी PTI. So when you know when we gave the votes of that party, then this party came into power. So why this party came into power? Because this party, for example, there is a PMLN and there is MQM and PPP. So students, these all parties stands in elections and but this party gets more votes than others. So why? Because people like the rules and people like the ideas of this party. That's why mostly people vote them. And this party came into power, and the leader of the party, leader of this party becomes a prime minister. So students here. Usually the leader of the party with the most votes becomes prime minister. The prime minister chooses other ministers to look after different departments in the government.
after that, after becoming prime minister, it is up to the prime minister that he looks, he chooses the other ministers. So look after different departments in the government. जो government के जो मुख्तलिफ अदारे हैं उनको look after करने के लिए जो prime minister है वो मुख्तलिफ ministers को choose करते हैं. जैसे there are ministers for health का minister, you know, and education, then transport, defense, environment, housing and so on. There are many departments. You can say that जैसे हमारे बहुत सारे ministers हैं. These are the chosen by the prime ministers. So the ministers help the prime ministers. ये जो ministers होते हैं ये prime ministers की help करते हैं. Decide all the important things the government has to do. वो सब चीज़ें मिलकर decide करते हैं जो government को करना है. For example, जैसे क्या करना है government को, the government has to decide. government को ये decide करना होता है whether hospitals or schools need to be built. के hospitals और schools बनाने की ज़रूरत है या नहीं, कहाँ पे ज़रूरत है कहाँ पे नहीं है. इट हैज़ टू डिसाइड हाउ द मनी कलेक्टेड इन टैक्सेस शुड बी डिस्पेंड. उन्होंने ये भी डिसाइड करना है जो हमने टैक्सेस के ज़रिए से जो मनी कलेक्ट की है हमें उसे किस तरह से इस्तेमाल में लाना है. क्लियर. इट हैज़ टू डिसाइड हाउ टू मेक लाइफ कम्फर्टेबल फॉर ऑल पाकिस्तानीज. फिर इनको ये भी डिसाइड करना पड़ता है कि हमने पाकिस्तानियों की किस तरह से लाइफ को कम्फर्टेबल बनाना है. इट जैसे कि कैसे उनकी लाइफ को कंफर्टेबल बनाना है, जैसे कि उनके लिए महंगाई ना हो, उनके लिए सस्ती अशिया की फरहमी हो, पानी की फरहमी हो, बिजली की फरहमी हो, जॉब्स हो, और हर चीज़ जो है वो जो लाइफ में सुकून से वो चाहते हैं उनको प्रोवाइड होनी चाहिए. ये सब जिम्मेदारी किसकी है, एक स्टेट की, हुकूमत की, गवर्नमेंट की. और इट बिल्ड्स रोड्स, और वो क्या करती है, रोड्स बनाती है, प्रोवाइड्स ट्रांसपोर्ट मुहैया करती है, हाउसेस लोगों को देती है, जॉब्स देती है, एंड अबव ऑल जितनी भी चीज़ें हमने ऊपर डिस्कस की हैं सब चीज़ें, एंड सेफ्टी एज वेल. सबसे इंपॉर्टेंट एंड पे जाता है सेफ्टी. इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर गवर्नमेंट टू सेव द सिटीजन्स ऑफ द पाकिस्तान. क्लियर. पाकिस्तान ना गवर्नमेंट मेक्स अ प्लान, फिर गवर्नमेंट क्या करती है इन सब चीज़ों को सॉल्व करने के लिए प्लान बनाती है. टेलिंग द पीपल व्हाट इट होप्स टू डू, उनकी क्या उम्मीदें हैं कि किस तरह से वो करने हैं, एंड हाउ इट विल डू दीज थिंग्स, वो किस तरह से करेंगे इन चीज़ों को. समटाइम्स द गवर्नमेंट सक्सीड्स इन कैरिंग आउट द आइडियाज़ इन दिस प्लान एंड समटाइम्स इट डज नॉट. बाज़ औक़ात ऐसा होता है क्योंकि हर गवर्नमेंट का जो एरा होता है वो कितनी देर का होता है, जस्ट 5 years का होता है. इस 5 year के एरा में उसे ये प्रूव करना होता है कि वो कितना अच्छे से पाकिस्तान को, इस कंट्री को रन कर सकते हैं. इफ़ समटाइम्स क्या होता है, वो गवर्नमेंट जो होती है, जो रूलिंग पार्टी होती है, जो रूल में आई होती है, तो वो सक्सीड कभी कभी वो कामयाब हो जाती है इन कैरिंग आउट द आइडियाज़ को सॉल्व करने में इन दिस प्लान, एंड समटाइम इट डज, और कभी कभी वो नहीं कर पाती. क्लियर. So I hope you have cleared this all topic, students, very carefully. Now students, it's your turn. Must read this topic at home carefully. Clear and learn the related questions from your notes. Thank you.